हेलो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी कॉम्पोजिशन के बारे में। एनी ट्रांसफॉर्मेशन आपको कुछ बातों का जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आपका हाइट, वेट, बॉडी परसेंटेज, ताकि आप एक अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कर सकें। जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया है आज मेडिटिव का स्मार्ट BMI स्केल। इसमें टोटल 11 कॉम्पोनेंट्स है जिसके बारे में हम जान सकते हैं। भाई एक एक करके देखता हूँ कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट दिए हुए हैं। BMI स्केल से आप अपने BMI निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी कैलोरी इंटेक निकाल सकते हैं और BMR निकाल सकते हैं। BMR वो होता है जिसका आपको बेसिक कैलोरीज नीडेड होती हैं आपके सर्वाइवल के लिए। इस स्केल में टोटल 11 पैरामीटर्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा अभी आपसे, जो कि है वेट, BMI, बॉडी फैट, फैट फ्री बॉडी वेट, सब्सटेंशियस फैट, विसरल फैट, बॉडी वाटर, स्केलेटल मसल, मसल मास, बोन मास, प्रोटीन, BMR, बॉडी एज, कुछ ज़्यादा चीज़ें। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे जिसको आप इस स्मार्ट BMI स्केल से मेजर कर सकते हो। तो जैसे मेरा वेट है इसमें 77.5 kg, तो मेरा BMI आया है इसमें 33.7 एंड बॉडी फैट है 13.5%। फैट फ्री बॉडी वेट है 67%, सब्सटेंशियस फैट 9.3% है। ये वो फैट होते हैं जो कि आपके ऑर्गन्स के सराउंडिंग में रहते हैं। विसरल फैट 6.1 है, जो कि स्किन के नीचे होता है, ये हमारे स्किन के और मसल्स के बीच में जो फैट होते हैं उसको कहते हैं। बॉडी वाटर है 53%, स्केलेटन मसल है जो आपके ढांचा है उसका, मसल मास है, मेरा मसल मास है 62.9 kg, बोन मास है जो 3.5 kg है, प्रोटीन है 29%, और मेरा BMR है जिसकी मतलब सबसे कम कैलोरीज नीडेड, मतलब सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी होती है वो होता है BMR, वो है मेरा 1918 कैलोरी। और बॉडी एज अकॉर्डिंग टू दिस ऐप मेरा 21 दिखा रहा है, जो कि एक आइडल बॉडी वेट, मतलब इस पैरामीटर का मुझे समझ में नहीं आया। वैसे मेरी एज है 23, लेकिन इस पैरामीटर का मुझे समझ में नहीं आया, मैं इसके बारे में बाद में आपसे डिस्कस किया। सब पैरामीटर बताने के पीछे मेरा बस ये था कि आप जब भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं आपको एक एक्यूरेट पता होना चाहिए आपके बॉडी के कंपोनेंट्स के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है। जैसे मुझे पता ही नहीं था आज तक मुझे 5 साल हो गए जिम करते हुए, मेरे बॉडी में बॉडी परसेंट कितना है और मुझे कब गेन करना है, कब फैट लूज करना है। अब जैसे मेरे अभी 13.5% फैट है, जो कि आइडल मतलब एवरेज है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। एक आइडल मतलब 14-30% होता है, लेकिन मेरा 13.5 है, तो मेरे बॉडी में फ़िलहाल भी ज़्यादा फैट नहीं है, इसलिए मैं गेनिंग कर सकता हूँ। इससे आपको बहुत ही हेल्प होगी अपनी डाइट चार्ट मेंटेन करने में, आपको अपनी डाइट चार्ट निकालने में, अपने वाटर इनटेक को निकालने में। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी इस स्मार्ट स्केल को ऑर्डर करें और अपनी BMI। एक छोटी सी वीडियो, आई होप कि मैं जो आपको बात बताना चाहता था मेरी बात आप तक पहुंच पाई, क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूं, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए हो सकता है कि मेरी बातें आप तक डायरेक्ट कनेक्ट ना कर पाए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो ज़रूरी आपके काम आएगी और वो आपकी यूज़फुल होगी। तो ओके देन, बाय बाय टू द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अलविदा।